लिए तूने मेरे जज्बात क्या करूं, जिसने छुड़ाया उसकी तरफ हाथ क्या करूं, और है शीशे जैसा दिल मेरा ये तुझको था पता, तूने वो तोड़ डाला उससे मैं बात क्या करूंगा किया है। अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ भाई प्रभात मिश्रा जी को, आप आए और अपना काव्य पाठ करें, एक बार भरपूर धन्यवाद सूरज मणि जी का और संयोजक सारे संयोजकों का, इन्होंने इतना अच्छा समूह एकत्रित किया और हम सभी को ये मौका दिया कि हम अपनी प्रतिभा को यहाँ आप सबके सामने रख सके। मैं तहे दिल से सूरज मणि जी का आभार व्यक्त करता हूँ। शुरू करना चाहता हूँ बशीर बद्र जी के एक शेर से कि जी चाहता है सच बोले, जी चाहता है सच बोले मगर हौसला नहीं होता, जी चाहता है सच बोले मगर हौसला नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी साहब, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी उस आंधी तूफान की अवस्था जो 16 से 26 साल की होती है उसको पार कर कर आए हैं। कुछ लोग उस दौर में होंगे, कुछ पार कर चुके होंगे, तो जो उस दौर में है उनको भी प्रेम होने की उतनी ही संभावना है जितनी जो पार कर चुके हैं उनको हो चुकी होगी। और जब प्यार होता है तो सारी अच्छाइयां व्यक्ति में दिखने लगती हैं, और फिर जब ब्रेकअप होता है तो कई शब्द सुनने को मिलते हैं, अट्रैक्शन, इन्फ्लेचुएशन, तो उसी पर मैंने एक कविता लिखी है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। कि वर्षों बीते आज तलक ये समझ नहीं पाया हूं मैं, वर्षों बीते आज तलक ये समझ नहीं पाया हूं मैं, प्यार था वो या आकर्षण ये भेद कोई बतलाए तो। इर्द गिर्द ही जिसके मेरी, जब आप प्यार में होते हैं तो एक व्यक्ति आपका ध्रुव हो जाता है और आपकी जो सारी कल्पनाएं हैं, जो आपकी सारी सोच है वो उसी के चारों तरफ घूमती है। तो उससे सुनिएगा कि इर्द गिर्द ही जिसके मेरी सारी बातें घूमती हैं, इर्द गिर्द ही जिसके मेरी सारी बातें घूमती हैं, चुपके से वो कान में मेरे ये रहस्य सुलझाए, ओ प्यार था वो या आकर्षण ये भेद कोई बदलाए। हमारे समय में 90 के दशक के जो होंगे यहाँ पर उनको पता होगा कि उस समय संचार माध्यम इतने नहीं थे, एक टेलीफोन हुआ करता था और अगर घर में 6 सदस्य हैं, अमूमन 6 हुआ करते थे, 2 माता पिता और 4 बच्चे, तो अगर 6 सदस्य हैं तो फोन उठने की संभावना जो है वो 1/6 हो जाती है, और उसपे भी उसके द्वारा उठा लेने की संभावना तो और भी कम हो जाती है। तो उस समय सूचनाओं का आदान प्रदान उतना त्वरित नहीं था जैसा आज हो गया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज किए डायरेक्ट उनको मिला कि यहाँ मिलो। तो हमारे यहाँ सालों तो बीत जाते थे इसी चक्कर में कि सामने वाले को ये पता चले कि एक व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा में खड़ा है। तो हमने तो सुनिएगा कि जिसकी एक झलक पाने को मैं रहता था बेताब बहुत। क्या होता था कि विश्वविद्यालय के बाहर, विभाग के बाहर, रास्ते में, गली में, दुकान के सामने खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो देखे ना देखे ये उसकी मानसिकता है, हमारा काम था वेट करना, हम वेट कर रहे हैं। तो जिसकी एक झलक पाने को मैं रहता था बेताब बहुत, वो भी कड़ी धूप में कभी अपना बदन झुलसाए तो, वो भी कड़ी धूप में अपना बदन कभी झुलसाए तो, प्यार था वो या आकर्षण ये भेद कोई बतलाए तो। जिसके सम्मुख होने पर ही प्रेमिका जब आ जाती है, प्रेमिका ना भी हो आपको जिसकी तरफ आकर्षित है वही आपकी प्रियतमा है, तो जब वो आपके सम्मुख आ जाती है तो स्थिति होती है कि कितनी भी कड़ी धूप हो वो लगता है कि मलय समीर बह रहा है। तो जिसके सम्मुख होने पर ही जेठ घृणा सावन लगता, जिसके सम्मुख होने पर ही जेठ घृणा सावन लगता, अपने जुल्फों के बादल मेरे चेहरे पर बिखराए तो, प्यार था वो या आकर्षण ये भेद कोई बतलाए। जिसका आना ही बसंत था, जब वो आ जाती है तो लगता है कि सब कुछ मलयागिरी से सुवासित हो उठा है, हृदय कमल खिल जाता है, मयूर नृत्य करने लगते हैं जैसे बसंत आ गया हो, अभी भी जो प्रेम में होंगे उनको सब कुछ गुलाबी गुलाबी दिखेगा।
जिसका आना ही बसंत था और चले जाना पतझड़, जिसका आना ही बसंत था और चले जाना पतझड़, ये ऋतुओं का काल चक्र वो मुझको भी समझाए तो। कोई बताए तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। रिश्तों के जब हम प्रेम में होते हैं तो हम उसको मध्य में रखकर सोचते हैं वो आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़ा आदमी बहुत दूर तक की योजनाएं बना लेता है। तो उसपे है कि रिश्तों के ताने बानों का केंद्र बिंदु जो रहता था, रिश्तों के ताने बानों का केंद्र बिंदु जो रहता था, बिना झिझक में जिससे अपनी सारी बातें कहता था, मेरे स्वप्नों के मूल में एकनिष्ठ प्रेम था मेरा, तो मेरे स्वप्नों के मूल में जिसका चेहरा रहता था, ख्वाब हकीकत के इस फर्क का मुझको बोध कराए तो। क्या था वो यह आकर्षण, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया, 90 से आज 34 बसंत हम देख चुके अपने जीवन के, अभी बसंत की कोई तरह है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यहाँ जो भी हैं जिनका दिल टूटा हो अपनी प्रेषियों से ये पूछ सकते हैं कि कैसा होता है ये प्यार, मैं उन सभी दिल जले लोगों की तरफ से पूछ रहा हूं कि कैसा होता है ये प्यार और इसमें क्या क्या होता है, कैसा होता है ये प्यार और इसमें क्या क्या होता है, आकर्षण और प्यार के मूल में अंतर कितना होता है, कैसे पता चले प्रभात, कैसे पता चले प्रभात ये आकर्षण है प्यार नहीं, आकर्षण और प्यार की परिभाषा हमें बताए तो। प्यार कोई धन्यवाद।